अगर हम देखें डेफिशिएंसी डिसीज जो है किसी भी पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल की कमी से बहुत बढ़ गई है और जिसके कारण बहुत से लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस मैसेज को शेयर करें, और ताकि वो लोग भी इसके बारे में जानकारी एकत्रित करके इसके बारे में नोट्स बना के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाए। ओवर टू यू मिस्टर दिव्या। थैंक यू सौरभ जी। यस दोस्तों, जैसा सौरभ जी ने कहा कि अभी भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं, तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी टीम के लोग भी सीखें, और सीखना सिखाना इस बिजनेस की जरूरत है। हम सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और डायरी पेन लेकर के बैठे हैं और इस चीज को नोट डाउन भी करते रहें जो अब हम लोग यहाँ पे सौरभ जी के मुंह से सुनने वाले हैं। तो सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक प्रोडक्ट हम जिसको जानते हैं विटामिन डी, और हमारा रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट भी है, तो विटामिन डी के बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगा, विटामिन डी होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है? जीवराज जी, अगर हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जनरली विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, और सनशाइन विटामिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम धूप में होते हैं तो यूवी बी रेज जो होती हैं विटामिन बी को डी को हमारे शरीर में एकत्रित होने में मदद करती है, उसके बनने में मदद करती है, और वहीं से ये विटामिन डी हमारे लीवर में जाके हमारी किडनीज में जब ये जाता है और हमारे बॉडी में इसकी संरचना होती है। और वाइटामिन डी की अगर मैं आपसे बात करूं युवराज जी, हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई वाइटामिन है तो वाइटामिन डी है। हमारे शरीर में हमारे हार्ट बीट के लिए वाइटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग प्ले करता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ओवरऑल हमारे शरीर में बहुत से छोटे छोटे एज अ कैटलिस्ट भी वाइटामिन डी काम करता है। तो वाइटामिन डी जो बेसिकली अगर हम बात करें एक ऐसा वाइटामिन जो हमारे शरीर के मूलभूत आधार हमारे बॉडी में जो हम हमारा जो ढांचा है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। परफेक्ट। तो वाइटामिन डी की जैसा आपने बताया हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वाइटामिन डी सबसे पहली चीज कैल्शियम, हमारी बॉडी अगर हम सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम जा रहा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता रहे, और उसके एब्जॉर्प्शन में सबसे जरूरी अगर कोई वाइटामिन होता है तो वो वाइटामिन डी, जैसा आपने बताया सौरभ जी। दूसरी चीज, एक और सवाल अब निकल करके आता है कि वाइटामिन डी हमारा जो किस सोर्स से हमको मिलता है और कितने तरह के विटामिन होते हैं डी में हमारे? देखिए अगर हम बात करें जिब्रान जी विटामिन डी की, अगर हम बात करें जो सनशाइन विटामिन्स की हमने बात करी, विटामिन डी हमारा मेनली तीन तरीके का होता है, विटामिन D1, D2 और D3। ये विटामिन डी जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और अगर हम बात करें विटामिन D2 और D3 की, विटामिन D2 जो होता है दोस्तों वो हमारा प्लांट से मशरूम से या बेसिकली ये प्लांट सोर्स हमें मिलता है विटामिन डी। वही विटामिन D3 हमारी स्किन में बनता है जैसे मैंने आपको बताया, और ज्यादातर अगर हम इसको बाहर से सेवन करते हैं तो विटामिन D3 बेसिकली हमें एनिमल सोर्स से मिलता है। और विटामिन D3 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो विटामिन D3 हमारे स्किन पे यूवीबी रेज के रिस्पॉन्स के कारण भी प्रोड्यूस होता है, और जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उसको फिलफिल करने में एक हद तक बहुत मदद करता है, खासकर विटामिन D3। परफेक्ट सौरभ जी, बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि वाइटामिन D3 हमारा जो एनिमल सोर्स के थ्रू मिलता है या फिर हमें सूरज की रोशनी से हमारी स्किन के अंदर अपने आप बनने लगता है, ये पहली चीज तो मौजूद हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। और जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं कुछ समय के लिए सूरज में, जो जनरली लोग सोचते हैं कि 10 मिनट बैठेंगे तो हमको वाइटामिन डी बन जाएगा, तो क्या ऐसा भी होता है सौरभ जी? जिब्रान जी इसमें बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, खासकर जैसे कि मैं कभी कुछ स्टडी कर रहा था तो मैंने ये जाना कि अगर आप दिन में लगभग आधे घंटे धूप में रहते हैं पर उस धूप का टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो एक हद तक वो आपके विटामिन डी की फॉर्मेशन में मदद कर सकता है, पर हालांकि इतना वो सिक्रीट नहीं हो सकता जो आपको रोज की जरूरत होती है। पर अब एक चैलेंज क्या होता है जुकान जी, आप 30 मिनट तक सन एक्सपोजर में अगर हैं तो इसमें सन एक्सपोजर के कारण यूवी रेस के कारण स्किन का फ्री रेडिकल डैमेज, रिंकल्स,
ये सब भी बहुत जरूरी हो जाते हैं अपने आप को उससे बचाने के लिए। तो बेसिकली अगर कोई चाहे तो यस वो अपने वाइटामिन डी को इम्प्रोवाइज कर सकता है थ्रू वाइटामिन D3, पर उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए होता है। और उसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, सनस्क्रीन इफेक्ट होते हैं, वो भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये तो कॉमन देखा गया है। पहली चीज तो हम धूप में अपने आप को इतनी देर रख नहीं पाते आजकल तो, ऑल्दो मौसम सर्दियों का है, पर सर्दियों में भी जो सनशाइन वाइटमिन हम लोगों को बनता है बॉडी में, वो जनरली कहा जाता है सुबह की जो धूप होती है उसमें बनता है। और सर्दियों में सुबह उठा नहीं जाता, गर्मियों में भी लोगों को सुबह उठना मुश्किल होता है, और अगर धूप में रहते भी हैं तो जैसा आपने कहा टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है, यार धूप में रहे काले होते जा रहे हैं लोग, यही कहते सर रंग जो है मेरा कम होता चला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं धूप में रहने से हमको बचाता है। और हम बहुत सारी सन प्रोटेक्शन क्रीम्स वगैरह का भी यूज करते हैं कई लोग, तो ऐसे में ये विटामिन D3 हमारी बॉडी में सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता। तो अगर सौरभ जी हम कुछ डेटा अगर बता सकें कि इंडियन पॉपुलेशन के कंसर्न में हम रखते हुए कि हाँ हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी का क्या यहाँ पे डेटा है, क्या रिसर्च बताती है, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करें। युवराज जी, आज की डेट में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जनरली किसी भी चीज को लेके, आप देखेंगे आपको दो टेस्ट बहुत कॉमन लेके जाते हैं, एक वाइटामिन D3, एक वाइटामिन B12। वाइटामिन D3 की अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं, ऑलमोस्ट युवराज जी 40% से लेके 99% इंडियंस जो है उनमें वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और ये वेरी करती है मेल टू फीमेल। फीमेल में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर NIH के हम डेटा को देखें, भारत सरकार के हम डेटा को देखें, NCBI के डेटा को देखें, तो लगभग लगभग 40% से 99% इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की सॉरी वाइटामिन D3 की कमी होती है। ओके सर, इसमें कुछ एज का भी मैटर है कि यस आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इसमें फैक्टर्स हैं जो 40 to 99% तक जाते हैं वो डिपेंड करता है वेदर यू आर मेल और फीमेल। इसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपका एज ग्रुप क्या है। जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ती है वाइटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है। इसके अलावा जिब्रान जी बहुत से ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं कि सपोज मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है, मेरा सनलाइट में एक्सपोजर क्या है, मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि ऑलमोस्ट मेरे शरीर में कितनी कमी हो सकती है वाइटामिन D3 की, जो पाई गई है 40% से लेके 99% तक होती है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, और इवन अगर हम अभी अपने आसपास देखने की कोशिश करें तो ये तो आपने बताया कि 40 to 99% हमारा जो एज ग्रुप बढ़ती है उसमें होता है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें आसपास आजकल छोटे बच्चों को भी ये चैलेंजेस फील हो रहे हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, सूजन हो गई, ये इवन 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लोगों को हो रहा है। वो चीजें जिनको जनरली हम 35 40 के बाद देखते थे, आज के टाइम पे वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पहले हो रही हैं। और उसमें अगर सौरभ जी हम देखें तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं विटामिन D3 उनकी डाइट में उस मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा जिसकी वजह से उनको ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सौरभ जी अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि जब विटामिन D3 हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है तो कैसे हमें पता चलता है, उसके क्या कुछ सिम्टम्स वगैरह रहते हैं, अगर उनके बारे में बताना चाहें तो। बिल्कुल जिब्रान जी, बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं वाइटामिन D3 की कमी के। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि वाइटामिन D3 की कमी से हम बार बार बीमार हो सकते हैं, अगर मेरा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है तो वाइटामिन D3 की कमी से हो सकता है, मुझे ज्यादा थकान रहती है तो वाइटामिन D3 की कमी से हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जैसे कि आपने बोन्स के बारे में बात करी, तो अगर मेरी हड्डियों में दर्द रहता है या बैक पेन रहता है तो इसका कारण हो सकता है वाइटामिन D3 की कमी। इनफैक्ट कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि वाइटामिन D3 की कमी से मूड भी हमारा लो हो सकता है, अगर मेरे घाव अच्छे से नहीं भर रहे हैं तो हो सकता है वाइटामिन D3 की कमी हो। बालों के लिए भी वाइटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और साथ साथ मसल पेन। और जिब्रान जी ये तो छोटे छोटे सिम्टम हो गए, बड़ी बात क्या है कि अगर विटामिन डी को हम लंबे समय तक नहीं लेते तो मुझे कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जैसे कि आपने बोला रिमेटोडाइट आर्थराइटिस, वो जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं वो होने के चांसेस रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहने के चांसेस रहते हैं, और इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि फीमेल्स में ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में एक एज के बाद जो प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट का बढ़ना और कोलोन, तो ये सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स को लंबे समय तक अगर वाइटामिन डी की कमी है हमारे खुराक में तो ये हम इस्तेमाल मतलब वाइटामिन डी की कमी के ये सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये आपने मतलब बेसिक सी चीजें तो बताई बताई कि हाँ विटामिन D3 जो है हमारी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर इसकी लंबे समय तक डिफिशियंसी हो रही है तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम, या फिर जैसा आपने कहा अभी एक्सट्रीम केसेस में कैंसरस भी ये हो सकते हैं आगे जाकर के, अगर विटामिन D3 हमारे पास सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे में सौरभ जी, हम अगर बात करें हमारे पास इसका समाधान क्या है और वो समाधान कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमारे खासियत है उस समाधान की, उस सॉल्यूशन की। उसके लिए जिब्राज जी हमारे पास एक शानदार सॉल्यूशन अवेलेबल है जो है वेल विटामिन D3, जो हमारे बेसिकली D3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो विटामिन D3 जैसे हम जानते हैं हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है, बोन्स और टीथ को अच्छा रखने में मदद करता है, तो ये सारी चीजों को फुलफिल करने में जो हमारे पास शानदार प्रोडक्ट अवेलेबल है वो है विटामिन D3 जो हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सौरभ जी, विटामिन D3 जो हमारे पास मौजूद है उसको कैसे हम सप्लीमेंटल डोसेज में ले सकते हैं और क्या क्या उसको लेने के फायदे हमको मिलने वाले हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट से बेहतर है, उसकी USPs क्या हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकें। तो जिब्रान जी हमारा जो विटामिन D3 का जो बेसिकली हमारा जो कंपोजिशन है जो एक सॉफ्ट जेल है विटामिन D3 का वो हमें देता है 2000 IU ऑफ विटामिन D3। और ये मैं इस बात पे मैं इंपॉर्टेंस मैं अभी लेके आऊंगा क्योंकि जिब्रान जी एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है विटामिन D3 टॉक्सिसिटी। एक पर्टिकुलर मात्रा में जब शरीर में ज्यादा विटामिन D3 आता है तो विटामिन D3 कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो हमें बहुत से चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं कि जब सामान्य से ज्यादा हम उसको लेते हैं। तो आपने मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे जो 60,000 IU तक कैल्शियम देते हैं, पर अगर मैं आपसे एक बात जानना चाहूं जिब्रान जी कि मान लीजिए अगर मैंने 7 दिन से खाना नहीं खाया है और 8वें दिन मुझे 8 दिन का खाना एक साथ दे दिया जाए तो पहली बात क्या मैं उसको खा पाऊंगा, दूसरा क्या मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, तीसरा कि जो सोच के मैं खा रहा हूं क्या मुझे वो बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है वो टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाए। तो इसलिए जो ये हमारा जो सप्लीमेंट है ये 2000 IU के हिसाब से है और इसके पीछे जो रेकमेंडेशंस है तो जितने भी इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशंस के जो भी रेकमेंडेशंस है वो बोलते हैं कि हमें एक दिन में 1500 से 2000 IU इंटरनेशनल यूनिट वाइटामिन डी खाना चाहिए, और एज पर डायरेक्शंस फ्रॉम लीडिंग इंस्टीट्यूट तो हमारी एक टैबलेट हमें देती है 2000 IU ऑफ विटामिन D3 जो उसके ना सिर्फ उसके ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन में मदद करता है बल्कि विटामिन D3 टॉक्सिसिटी से बचाने में भी मदद। तो जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं सौरभ जी, दवाइयों से बेहतर है कि हम सप्लीमेंटल डोसेज में उसको लेना शुरू कर दें, ऐसा ना हो कि हमें उसकी जरूरत पड़ जाए, जब कमी ज्यादा हो जाएगी तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो उस टाइम हमको 60,000, 65,000, 75,000 IU डेली वीकली लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जब हम इसको रेगुलर बेस पे लेते रहेंगे तो विटामिन D3 की कमी नहीं होने पाएगी, और जब विटामिन D3 की कमी नहीं होगी हमारे हड्डियां मजबूत रहेंगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और ओवरऑल हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, अभिषेक जी ने, सौरभ जी ने आप लोगों को बताया कि इस्तेमाल करने का तरीका, एक सॉफ्ट जेल दिन में एक बार हम यूज कर सकते हैं और उस एक सॉफ्ट जेल में हमको 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन D3 का मिल जाता, राइट। तो बहुत अच्छा सौरभ जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी विटामिन D3 के बारे में। अब सौरभ जी, हम आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट है और वो है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बेसिक सा सवाल सबसे पहले आपसे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या क्या मिलकर के बना हुआ है?
जिबरान जी, जैसे इसका नाम बताता है, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है जहां बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा किसी एक वाइटामिन से ना मिलके अलग अलग प्रकार के वाइटामिन से बना हुआ है, जो है आपके वाइटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहूंगा दोस्तों, आपके लिए भी याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। 1 2 3 ध्यान रखिएगा, 1 2 3 5 6 7 9 एंड 12। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे कि